वाह क्या टेस्ट है, चटोरे के कटोरे में क्या देश है, इतने सारे देश का अपना देश है और हर देश एक नंबर सर्वश्रेष्ठ है। दिल्ली राजधानी या चलती भिन्न प्रकार की रीति, खाने में कहानी कितनी उप संस्कृति, दिखे जलेबी उप्स ये इमरती, खाने में प्रभाव है खूब इतने मल्टी। पानी पूरी कहूँ या कहूँ मैं गोल गप्पे, अगर वड़ा देसी डोनट तो क्या इडली है, कप केक कद्दू एट नो जोक ये सीरियस है, सब्जी पाव भाजी तीखी तो मीठी है लस्सी। जो चाहो मैं खाओ, बड़े चाव से खाओ, चाहे मैं चाओ मैं चबाओ या मैं खाओ कम पाओ, इसमें वड़ा न घुसेड़ो चॉपस्टिक्स तो लाओ, दाल रोटी थोपा मोमो सब खिलाओ, क्योंकि वाह क्या टेस्ट है, चटोरे के कटोरे में क्या देश है, इतने सारे देश का अपना देश है और हर देश एक नंबर सर्वश्रेष्ठ है। नमस्ते, राम राम, क्या हाल बा, ठीक बा, मेरा नाम है चार्ल्स थॉमसन और आप देख रहे हैं आपका सबसे पसंद वाला शो है वहाँ क्या टेस्ट है। दोस्तों आप जानता है कि बिहार में मेरा नाम है बिहारी लाल और बहुत मशहूर है, हाँ लोग वहाँ जानता है। अच्छा एक बात बतलाओ, हम जब भी कोई बिहारी के घर में जाता है ना, वो खाना बहुत अच्छा खिलाता है, पेट भर जाता है, मस्त है। आप भी एक बार खाना खाइए। अरे ड्राइवर साहब, आपको आप तो बिहारी है, आपको क्या बिहारी भोजन को पसंद है? पहले तो चना का सत्तू लोग खाते थे, अब शरबत बना करके पेट ठंडा आता है, उससे अब दाल भात चावल रोटी सब्जी दाल वो खाना। ठीक 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 है, अब मैं पूरा घूम करके गुन लेंगे कि अच्छा बिहारी भोजन कहाँ मिलेगा। चलता है, धन्यवाद। आज आप लोगों को दिल खुश हो जाएंगे, एक ऐसे जगह लेके आए ना आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और साइड कुछ लोग हैं बिहार का जो दिल्ली में रहता है वो भी नहीं जानता है, यहाँ का एक रेस्टोरेंट है उसका नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, पॉट बेली। और हम लोग कहाँ है, चाणक्यपुरी। और वो कहाँ, वो जो पीछे वाला जो लेन्स है जहाँ सब स्टेट गेस्ट हाउस है वहाँ पर हो, और बिहार निवास के ठीक बैक साइड में हो। तो आइए चलिए हम लोग जा कर के बिहार कुजीन हम लोग थोड़ा सा टेस्ट ट्राई करता है और ओनर से भी मिलता है। नमस्ते। हेलो चार्ल्स, वेलकम टू पॉट बेली। वाओ जय बिहार, योर रेस्टोरेंट इज सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। इट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच। दिल को खुश कर दिया। पूजा जी आप पेट का पूजा शुरू कीजिए। श्योर श्योर, क्या लेंगे आइए। अरे सब कुछ लेंगे, क्या बात कर रहे हैं आप, आइए। तो आप बताइए क्या लेंगे। मुझे याद है ना कि मैं जब बिहार में रहता था ना, हाँ। वहाँ पर सत्तू का शरबत पिलाता था। यस। हाँ, आप लोगों के पास है यहाँ पर? हाँ, कृपया हमको पिलाइए मीठा वाला। मीठा वाला? हाँ हाँ। सत्तू का शरबत लाना। बिहार में जब लोग बहुत जल्दी जल्दी में है ना सवेरे सवेरे और ब्रेकफास्ट खा नहीं सकता है, तो कम से कम सत्तू का शरबत पी करके चले जाता है। अरे वाह, ये तो असली वाला मिट्टी का है। मिट्टी का है, अरे वाह, इसमें स्वाद और अच्छा हो जाता है। इट्स अ मील इन इटसेल्फ। तो हम लोग जब काम में बिजी रहते हैं तो एक ग्लास सत्तू कूलर पी लिया, और सचमुच में उसको पीने से शरीर पूरा ठंडा हो जाता है। और ये तो बहुत अच्छा बनाए, और मुझे इसलिए उनका पसंद है, इसमें ज़्यादा कुछ डाला नहीं है, बहुत सारा सीधा है मीठा वाला। अच्छा ये तो हम पी लेंगे। अच्छा मैं एक चीज़ आपको बतलाना चाहता है, मैं पहले से भी आपको मेन्यू देखा था। अच्छा, ये मेन्यू बनाया कौन? अमेजिंग मेन्यू है। हाँ, ये मेरे मदर की रेसिपीज है सारी। अच्छा अच्छा, आपका माँ है यहाँ पर? हाँ हाँ, यहीं पर है। That's my mother. Oh, नमस्ते जय बिहार। मैं आपको सच मुच में बोलना चाहता है, देखिए मैं पहले से इसको देख चुका है, आप बनाया ना। एक एक रीजन का भोजन का सोच विचार कहाँ से आया आप लोग?
मुझे बचपन से ही शौक था ना खाना बनाने का। और यहाँ वेजिटेरियन में कितना थालीज होगा? करीब 12 थालियाँ हैं और नॉन वेज और अबाउट 16। और इसके अलावा भी हमारे पास एपेटाइजर्स भी हैं बोथ वेज नॉन वेज। आपने सुना 12 प्रकार का वेजिटेरियन थाली है और 16 प्रकार का नॉन वेज थाली है और हर एक रीजन आप लोग बहुत ध्यान दिया है ना इसमें बनाने में। जी मुझे तो बहुत भूख लग रहा है, आप में क्या खाएंगे? आप ट्राई करिए, एक मखाना थाली ट्राई करिए और एक भोजपुरी थाली। अच्छा। उसमें 4 अलग अलग प्रकार की पूरियाँ हैं। हाँ आप मुझे याद दिलाया है ना। हाँ। यहाँ पर आपको पूरी का अलग अलग रंग होता है, मुझे लगता है पीला रंग, हरा रंग और नॉर्मल ब्राउन कलर ना, एक एक लाल भी है। एक लाल भी है, अरे वाह। ये भोजपुरी थाली है, इसमें 2 पूड़ियाँ हैं। ये सत्तू पूड़ी है, इसमें सत्तू का फिलिंग है पूड़ी में। और ये अनियन पूड़ीज है और ये सब्जी है और 2 तरह की चटनियाँ हैं, तीसी की चटनी, जिमीकंद की चटनी और ये परवल चोखा है। अच्छा। और ये आलू पुदीना का रायता है। अच्छा। और ये जो सब्जी है ये आलू पनीर की सब्जी है जिसमें गरम मसाले का वो है। ये मखाना थाली है, इसमें भी 2 प्रकार की पूड़ियाँ हैं, मरुआ के आटे की पूड़ी है और ये पालक की पूड़ी है। फिर इसमें भी वही सेम चटनियाँ हैं 2 और टमाटर का चटनी है, एक आलू का चोखा है और मटर मखाने की सब्जी है। Oh, just think, I've got 2 thalis in front of me and 4 different colors of puri. वो तो कहाँ मिलता है? और ये एक surprise package है। ये हमारा काफी commonly breakfast में भी खाते हैं, घुगनी चूड़ा। अरे ये तो पूरा बिहार इसी से जीतता है ना, काला चना। और ये हमारा चावल है क्योंकि बिहार में बिना चावल के हमारा कोई भी meal complete नहीं होता है। जिस lentils है इसमें आलू बैगन है और तड़के के साथ। नाम क्या है इसका? राजी का पुलाव। अरे वाह, जखंडी भी लेके आया है, अरे वाह, मैं खा लेता है। अच्छा ये जो रंग है ना ये कैसे बनाया गया है, इसमें कलरिंग डाल दिया? नहीं, नेचुरल। इसमें थोड़ा सा देगी मिर्च है। अच्छा। और प्याज का प्यूरे करके आटा में नीट करते हैं तो इसमें कोई रंग नहीं। हाँ, इसके अंदर सत्तू भरा है। अच्छा अच्छा, तो फर्क वाला पूरी है, इसमें सत्तू है। चलो चलो इसको भी हम ट्राई करते हैं। आप मुझे लगता है मैं बिहार में वापस पहुंच गया है ना। अच्छा ये हरा रंग कैसे बनाता है? पालक के रंग से। इसमें रंग नहीं डाला है? किसी में रंग नहीं है, इसमें पालक डाल दिया। यस। चलो इसको, ये क्या नाम दिया है? ये परवल है, इसको इंग्लिश में पॉइंटेड गॉड कहते हैं, इसका हम चोखा खाते हैं। मुझे परवल तो बहुत शौक है लेकिन अच्छा। कोई कोई बिहारी है वो बोलते हैं उसका दुश्मन है, लेकिन मैं तो हमेशा परवल खाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा 3 रंग हो गया, आप एक रंग बाकी है, आप ये इसमें क्या डाला? ये तो कलरिंग डाला होगा? नहीं नहीं, ये तो मरुआ का आटे का रंग है। अच्छा, मिलेट्स। अरे वाह, चलो और अच्छा इसका क्या नाम था? ये मखाना है। मखाना तो मखाना है, पूरा बिहार मखाना से चिता है ना। हाँ। वाह क्या टेस्ट है। ओ अच्छा मैं देखता है, देखिए 2-3 प्रकार का चटनी दिया है। अच्छा ये बताइए ये कौन सा वाला चटनी है? ये तीसी। तीसी? हाँ। ये अंग्रेजी में क्या बोले? इसको फ्लैक्स सीड कहते हैं। फ्लैक्स सीड वेरी हेल्थी, वो आपको रोज खाना चाहिए। और देखिए दोनों थाली में फ्लैक्स सीड दिया, मजा। चिकंदी चावल क्या बात है, और उसको हम थोड़ा सा ये टमाटर का चटनी, ये टमाटर की चटनी। मुझे लगता है कोई बिहारी बिना चना के साथ चिट नहीं सकता है। अब इसको किसके साथ खाएंगे? ठीक है इसको ऐसे इसी के साथ खाएं, बिकॉज इसके नीचे चूड़ा है, रोस्टेड। अच्छा अच्छा, फ्लैटेंड राइस पोहा कहते हैं जो यहाँ पर। ठीक है वो दोनों साथ मिला करके मैं खाता हूँ। बहुत अच्छा है, और क्यों बहुत अच्छा है, इसमें ज़्यादा मसाला मिर्ची सब कुछ डाला नहीं, हल्का से डाल दिया।
और चूरक के साथ थोड़ा सा क्रंचीनेस लगता है। मैं तो रोज यहाँ आ सकता है। और इसमें आपका कोई स्पेशल रेसिपी है इसमें जो आप ये सब बनाया है? सब तो मेरा ही है। सब आपका है। वाह, अच्छा ये नहीं लिया, पुदीने का रहता है, पुदीने का रहता है, इसमें आलू भी है। बिहारी है ना तो आलू क्यों नहीं डालेंगे ना। इसमें गरम मसाला है ना, बिल्कुल ऑथेंटिक बिहारी का स्वाद है। अब देखिए उनका टमाटर का चटनी, देखिए इसका रंग, इसमें लगता है बहुत मेहनत किया है। इसमें वो काफी कुछ डाला है। हाँ, इसमें पांच फोरन हम डालते हैं। वाह, अभी मैं मखाना का सब्जी खा रहा हूँ। अच्छा, इसका सब्जी होता है, इसका मिठाई भी होता है ना? इसका खीर बनाते हैं, इसको हम लोग एक्चुअली एक और तरह से बनाते हैं, गुड़ में क्रंची रहता है और गुड़ के पाक में मम्मी उसको डालते हैं, एंड इट्स अ ड्राई स्नैक, सो यू कैन स्टोर इट एंड ईट इट व्हेनेवर। और क्या बहुत सारी मिठाई है वहाँ पे, परवल की भी मिठाई होती है ना, परवल का मिठाई खाते हैं हम वहाँ पे, ठेकुआ खाते हैं, पिरकिया खाते हैं, आशीर्वाद चलता है ना। एक सीक्रेट छठ पूजा के बारे में बताते हैं, लोग नहीं जानता है, वो एक ही पूजा है हिंदुस्तान में कि सिर्फ लेडीज लोग इसके नियम बनाता है। सही बात है ना, लोग सोचता है कि ऐसे कुछ नहीं, अरे बहुत डम है यार, देखिए ये लेडीज लोग कितना अच्छा सा एक रेस्टोरेंट भी बनाया है ना। हाँ, मैं तो इसको पूरा खाएंगे, ये मस्त है। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा मदद चाहिए। बोलिए। इसको खत्म करके मैं भी किचन जा करके वो आपका शेफ से सीखना चाहता है कि ये रंग रंग वाला पूरी तो मैं घर में भी बनाएंगे। ठीक है, आप आज सीखना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ। आप हम लोग हॉट वैली के किचन में हैं, जहाँ से अमेजिंग फूड निकलता है। और एक बात, इसको शुरू करने से पहले मुझे बड़ा अजीब लगा, मैं बहुत किचन में गया, यहाँ का दीवार मार्बल है, उसको आसानी सफाई के लिए। तो चलिए हम मिलता है शेफ अजीत बाबू। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मैं लगता है आप तो पक्का बिहारी रहा है। हाँ। और बाकी लोग भी बिहारी होगा? सब बिहारी है। अरे वाह, हम लोग बिहारी के जगह में पहुँच गया है। और आज आप मुझे कुछ सिखाएंगे ना, मुझे रंग रंग वाला पूरी बनाना है। तो मैं पहले हरे रंग की शुरुआत करता हूँ। तो इसमें डाला क्या? इसमें पालक को पहले बॉयल करते हैं, उसको थोड़ा सा भून के उसको पीस के इसमें मिलाते हैं। अच्छा, तो ये हरा हो जाता है। हरा रंग का पूरी खाली यहाँ खाया है। वाह, ये पूरी हो गया ये। हाँ, इसको लेंगे। हाँ, आप देखना है ना, मैं जब बनाता है ना, हिंदुस्तान या ऑस्ट्रेलिया का नक्शा होता है ना, गोल नहीं होता है। अरे ठीक है, मेरा आम का आ गया ना। ठीक है इसको। अरे वाह देखो, अरे वो तो सब चीज खा सकता है। अरे वाह वाह, ये हो गया पालक का। ये पालक हरा रंग का पूरी। हाँ, पालक का हो गया। अच्छा, दूसरा यहाँ रखता हूँ, ये लाल रंग प्याज का है। पहले आटा लेते हैं, इसमें प्याज को पीस के इसमें डालते हैं और देगी मिर्च डालते हैं। अच्छा, जिससे इसका कलर थोड़ा सा देगी मिर्च। यस। अच्छा, इसको बनाने का सिखाता हूँ। इसको ऐसे करेंगे। अरे वाह, अरे वाह, अरे क्या बात है। ये मरुआ का आटा है। मरुआ का आटा है। आटा है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको बनाने से ये वाला बनाने से रंग पूरी बन जाता है। इसमें जो हम आलू डालते हैं और अरबी डालते हैं, जिससे इसकी सॉफ्टनेस बनी होती है। इसमें लगा लेंगे आटा, थोड़ा सा आटा लगा लीजिए। देखिए, इस पे जो बेलन नहीं चलेगा। अच्छा, तो इसको जो है ऐसा हाथ कुछ मंत्र भी बोलना? नहीं, मंत्र नहीं बोलना। कोई बिहारी शब्द नहीं बोलना? नहीं। ये हो गया पूरी रेडी। अच्छा अच्छा, ये तो ये क्या है, ये फ्लैट पूरी? हाँ, फ्लैट पूरी। हाँ, इसको मारना है, इसे बनाता है। वाह, पूरी हो गया। चौथा ये है, प्लेन पूरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें सिर्फ आटा है, सूजी है और अजवाइन है, मतलब सारे देश का पूरी। हाँ हाँ, गरम गरम पूरी। इसको सेम उसी तरह जो है, हाँ ऐसे कर लेंगे।
वाह करके हमको नहीं आता है, ऑस्ट्रेलिया या हिंदुस्तान का नक्शा आएगा। हाँ एक हमको दे दीजिए, मैं थोड़ा सा दे देंगे। हाँ ये थोड़ा और इसमें थोड़ा सा इसमें डालता है, इसमें डालने से क्या ना आटा चिपकता नहीं है। हाँ अच्छा 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 ऐसे है ना। हाँ जी एक थोड़ा सा इधर। हाँ फिर ऐसे। हाँ जी अरे वाह थोड़ा गो अरे वाह 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 ये देखिए एकदम गोल वाला हो गया। मैं भी बना सकता है चाह हो गया। अरे कमाल कर दिया। अच्छा उसको हम लोग पका सकते हैं क्या? हाँ इसको पकाएंगे। हाँ अच्छा अच्छा चार्ल्स आइए मैं आपको पूरी तलना सिखाता हूँ। अरे वाह वाह लाल रंग का पूरी है। वाह आप निकालेंगे इसको? एक मिनट मैं हाथ बस बस ऐसे कर ये जो है ना इसमें रखता है। ओ आप दो पूरी आप डाल के सिखाइए। अच्छा मुझे डालना है तो मैं हरा रंग डालता है। हरा रंग आपका पान का पत्ता वाला है। पान का पत्ता वाला थोड़ा सा टूट गया। अरे वाह थोड़ा धीरे से धीरे से एक काला वाला डालिए नक्शा वाला। नक्शा वाला अरे वाह ये मेरा पूरी है ये गरम गरम। इसको थोड़ा सा चलाइए तो फूलेगा। अब आप घर में जाके बना सकते हैं ऐसा? हाँ मैं कोशिश करेंगे। पहले मैं छुप से बनाएंगे कोई देखेगा नहीं। अच्छा ये भोजपुरी में क्या बोलेगा? गरम गरम पूरी बस वो भोजपुरी में। अरे वाह आप मैं निकालता है। आप देखो ये हम बनाया है और देखिए दो रंग का है ये आ गया। अरे वाह चार रंग का गरम गरम पूरी बनाया है। आप लोग देखा है तो शायद आप लोग हमसे बहुत आसानी से बना सकता है। लेकिन मैं आपका घर कभी खाएंगे तो खाली एक रंग का पूरी हमको नहीं चाहिए, हमको चार रंग का पूरी चाहिए। ठीक है आप हम लोग चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाओ व्हाट एन अमेजिंग मील आई हैड। सो ग्लैड यू लाइक्ड इट। बिहारी है और अच्छा ये आपको डॉटर है? यस मेरी बेटी। व्हाट एन अमेजिंग इंस्पिरेशन। थ्री लेडीज मेड दिस रेस्टोरेंट ना। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद। हैव अ गुड डे बाय। मैं हूँ पापागंज मंडावाली में हूँ एक छोटे से गली में। मैं कोई पापा वाला दुकान में आप लोग को नहीं लेके आया है। आज हम एक असली लीची चोखा वाला दुकान है। अच्छा हो सकता है कभी भी किसी शादी में किसी कॉन्फ्रेंस में कहाँ भी अचानक में दिल्ली में आप कोई पार्टी जाकर के लीची खाया तो हो सकता है यहाँ से सप्लाई होगा क्योंकि यहाँ का जो लीची चोखा है एक तो उसका स्वाद बिल्कुल ऑथेंटिक बिहारी स्ट्रीट कुसीन जैसा है और दूसरा उसका दाम भी बहुत रीजनेबल है। तो चलिए हम लोग अंदर जा कर के मिस्टर लिट्टी वाला से मिलता है। आइए नमस्ते मिस्टर लिट्टी वाला। नमस्कार सर। नमस्कार की हाल बात? बहुत बढ़िया है सर। अरे क्या लिट्टी बना रहे हैं? वाह जी 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 बहुत दिन बाद लिट्टी खाने आए हैं आप। क्या बात है आपको मालूम है पिछली बार जब हम आया था ना खाया अभी भी इसका स्वाद की याद आ रहा है। अच्छा अच्छा तो खिलाइए कुछ। जरूर जरूर। अरे लिट्टी वाला जी लेके आइए जल्दी से। हो गया सर मैं लेके आ गया। ये है प्लेट में अभी लाता हूँ लिट्टी सर। ये रहा जी जी जी। ये देसी घी है सर। देसी घी में हमने लिट्टी को डुबा करके थोड़ा चलाएंगे ताकि जितना भी कोयला और आटा का जो है ना फ्लेवर आ करके। ये हो गया आपका देसी घी का लिट्टी। एक ये रहा सर एक और ये रहा। अब इसको खाइए सर। लिट्टी हो गया चोखा है सरसों चटनी है और ये सलाद है। Now it's been dipped in ghee, desi ghee, and then when we eat this, and he broke it a little just so that the desi ghee would get inside really nicely. Now we eat it with these, this wonderful chokha here, a little bit of piyaj, hara mirchi I'm staying away from, and thoda even taste karein sir, thoda sa taste karein isko. Theek hai, thoda taste karte hain. Aloo hai, baigan hai. This is why I've come back here, no? There is some chili. It's a little bit hot, but I'll put up with it for this flavor. And this one, I'll just take a taste without. This is very hits you. Oh, wow! Sarson ka chutney kehte hain. I can't wait any longer. I'll have to break this. Break. So isko thoda sa hum aise break karte hain na? Dekhiye andar thoda ghee chala gaya na? Haan, ji ji. See, you can see the sattu inside, and then you can see the wheat flour on the outside. Now, traditionally, what we do is we just dip it in with a little bit of this amazing chokha.
सचमुच में मुझे लग रहा है कि मैं बिहार वापस चले गए हैं। मैंने लगे नो कि हम पटना में, बिहार में, छपरा में, सिवान में, आरा आरा के लिट्टी भाई। वाह, तो चलो इसको थोड़ा सा आप इसमें थोड़ा सा डालते हैं, देखते हैं। सरसों के साथ कैसा लग रहा है? सासुर और ये छोका के साथ ना जब अलग अलग खाते हैं ना बिल्कुल अलग स्वाद मिल जाता है मुंह में। तोड़िए इसको, तोड़िए, हम बताते हैं आपको। बिहारी जो हम लोग हाथ से लिट्टी खाते हैं और चावल भात जो खाते हैं हाथ से, इसमें थोड़ा चोखा रखिए आप, चोखा रखिए थोड़ा सा। सर इसमें हम लोग चटनी डालेंगे और हम लोग बिहारी हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग जब तक तीनों को इकट्ठा नहीं करेंगे। अब ये रहा, अब खाइए इसको। अब हरी मिर्ची भी खा सकते हैं इसके साथ, हम लोग बिहार के लोग हरी मिर्ची खाते हैं। सब बिहारी खाता है ना, हम इससे दूर रहता है। ये बिहारी स्ट्रीट क्यूजीन एट इट्स वेरी बेस्ट। दिस इज समथिंग एवरीबॉडी हैज टू ट्राई वंस इन अ लाइफ टाइम। इतना अच्छा लिट्टी चोखा कैसे बनाता है एक बार आपको मुझे तो सिखाना पड़ेगा। जरूर जरूर आपको दिखाता हूँ कि इतना अच्छा लिट्टी हम बनाते कैसे हैं, डो बनाने से लेकर के सेकने तक। चल सर, ये होल व्हीट है, आटा बोलते हैं। अच्छा अच्छा, आटा में भी हम लोग अजवाइन, नमक, थोड़ा सा रिफाइन डालते हैं ताकि सॉफ्ट और लजीज लगे। अब इसमें सत्तू है, सत्तू में अदरक, लहसुन, मिर्ची, अजवाइन, मंगरेला, इसमें हम डालते हैं धनिया, इसको हम इसमें डालकर, कलाकारी है देखिए, ये डाल करके, सब लोगों से नहीं होगा ऐसे, मैंने करके इसको बंद कर दिया, ये सत्तू, ये लिट्टी में रह गया। अभी हो गया, अब इसको मैं गोल कर दिया, एक गोल करके ये हमने ऐसा ऐसे करके बना दिया। अब इसको कोयला पे हम लोग, कोयला के आंच पे, सिगरी है मेरे पास, उस पे इसको हम लिट्टी को सेकते हैं। मिस्टर लिट्टी वाला मुझे लगता है इतना बनाए आंख बंद करके तुरंत फटाफट से बना सकता है। एक दिन में आप कितना बना सकता है इसे? सर हमने कहा लिट्टी तो काउंटिंग नहीं है, लेकिन आटा जो है 60 से 70 किलो आटा हमारा डेली का बिक्री है साहब, सब दुकान मिला करके। आज सवेरे से हम बिहारी भोजन खा रहे हैं ना, लेकिन थोड़ा सा जगह रखा है पेट में ये लिट्टी और चोखा के साथ खाने लिए। हमारे पास जो होता है ना एक चोखा होता है, ये चाल सर हमारा चोखा है, आलू है, बैगन है, टमाटर है जी, धनिया पत्ता, अदरक, लहसुन, मिर्ची, सबको मिला करके हमने चोखा बना दिया है। तो ये पूरा तैयार है, ये तैयार है चोखा खाने के लिए। एक बहुत अजीब सी चटनी होती है जो हमने बहुत उस पे आरंडी किया है जी, और उसका सरसों का चटनी हम सब मैंने सब लोगों को देते हैं, बड़ा लजीज लगता है। ये जो पीली सरसों होती है उसको हम एक दिन पहले गीला करते हैं और चक्की में उसको पीसते हैं, लोहे पत्थर के चक्की में पीसते हैं और 12 घंटे के लिए फर्मेंटेशन में डालते हैं। फिर उसमें स्वादानुसार पेपर मैंने लाल मिर्ची, थोड़ा नमक, आमचूर डाल करके, सरसों तेल भी डाल करके और फ्लेवर दे करके, अब ये 12-16 घंटे में ये बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा, इसके साथ बहुत लोग खाते हैं। इतना अच्छा बनाया है चोखा, चोखा देखिए सलाद के रूप में हम प्याज, अच्छा प्याज तो हर बिहारी हर चीज में डालते हैं ना। नहीं तो हम लोग लिट्टी का यार है प्याज, ठीक है, हरी मिर्ची और प्याज हम लोग डाल करके इसमें लोगों को सर्व करते हैं। तो चलिए चलिए, मुझे भूख लग रहा है, हमको थोड़ा सा खाना है। अब इसको हम लोग कोयला पे, सिगरी पे, कोयले के आंच पे भी, चलिए सर मैं सेकता हूँ, फिर मैं खिलाता हूँ। नहीं खाचा नहीं खिलाऊंगा सर, इसको तरीके से सलीके से मैं सेकता हूँ आपके सामने कोयले पे, फिर मैं खिलाऊंगा आपको, बड़ा मजा आएगा आपको आज। चलिए आइए आइए आइए। चाल साहब हमने जी आपने देखा स्टफ कर दिया आटे में सत्तू को, अब ये कोयला के आंच पे इसको हम धीमी आंच पे, अच्छा, और मॉडरेट टेम्परेचर पे, कम आंच पे इसको बार बार घुमा घुमा करके लिट्टी महाराज को पैक माने पकाना पड़ता है। जब तक ले ये बहुत अच्छे से नहीं पकेंगे तो कस्टमर को खुश और मजा नहीं है। ऐसे ऐसे गर्म तो होता है साहब। अरे वाह, अच्छा कितना काला होना पड़ता है? ये देखिए देखिए, ऐसे ऐसे बन जाएगा, ये पक जाएगा ना तो लिट्टी फट जाएगी। अच्छा अच्छा, ये क्या हो गया, थोड़ा सा पक गया? हाँ पक गया लिट्टी, इसका मतलब कि ये प्रॉपर तरीके से अंदर से पक गया। अच्छा मिस्टर लिट्टी वाला, कितने दुकान हो गया आजकल? 4-5 जगह तो हमारा दिल्ली में प्रमुख लोकेशन पे, आनंद विहार, निजामुद्दीन, बिहार निवास में हमारा काउंटर है। अच्छा, उसके अलावा हम यहाँ पे भी बेचते हैं और ऑनलाइन खूब डिमांड बाय लिट्टी के। अच्छा, सुबह 70-80 किलो आटा के हम लिट्टी बनाई ला सुबह से लेकर रात तक ले। आप सोच ऑनलाइन से भी ऑर्डर खा सकते हैं आप लिट्टी चोखा, क्या दुनिया में हम लोग पहुँच गए ना। अब मैं लिट्टी खाएंगे, बिहार जाएंगे,
ठीक है ठीक है। अरे बाबू एक फर्स्ट क्लास चाय बनाई मैंने ली। अरे वाह। अरे दोस्तों आज तो हम बहुत अच्छा बिहारी भोजन खाया, पेट तो बढ़ गया, लगता है बेली निकल रहा है। हाँ हमको बिहारी भोजन मेरा सबसे फेवरेट है, लेकिन एक दुख का बात है, वो है हम जब ऑस्ट्रेलिया जाता है ना वहाँ बिहारी भोजन मिलता नहीं है, मैं बहुत मिस करता है। कोई बात नहीं आप ऐसे कीजिए ना, आपको कोई फेवरेट है अगर आप खाए भी नहीं कोई बात नहीं, जाके खाओ और हमको लिख दो। कैसे? ईमेल से ना। और ईमेल एड्रेस क्या है? वहाँ क्या टेस्ट है @gmail.com। तो जरूर हमको लिखिए ना। अच्छा आप तो हो गया आज के लिए, मैं आप लोग से फिर मिलेंगे एक नया एपिसोड में एक नया कम्युनिटी के सेम। तब तक मैं चाय पीते जाता है।